सो फाइनली 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 जनता की बेहद मांग पर आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। रस का टॉपिक बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि इसको करवाइए। सबसे पहले मेरा एक सीरियल चल रहा था यहाँ पर चैप्टर्स को लेने का, तो यहाँ पर रस का समय आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। रस को बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे चैनल्स पर वीडियो देखे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया कहीं से, तो आज आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाला है। देखो, रस के संबंध में आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि क्लीशी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं इस टॉपिक से। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे एलटी ग्रेड में अभी अभी हमने देखा था कि उसमें रस पहचानने को आपको दे दिया था। अगर आप सी ग्रेड डी ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आनी है, उसमें कभी भी आपको रस पहचानने संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर इसके फैक्ट से आते हैं, तो यहाँ पर आज मैं फैक्ट भी करवाऊंगा आपको और रस के सारे अवयवों को, रस के सारे भेदों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपका रस से रिलेटेड आज कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट बचेगा नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आप बिना देर किए। यहाँ पर आप एक बात समझना कि साहित्य में काव्य और गद्य दो होते हैं, ठीक है। काव्य अपने में अलग होता है, काव्य गद्य से अलग होता है। काव्य में छंद, अलंकार और रस का यहाँ पर समावेश होता है, ठीक है, और एक यूनिक इसको फीचर दे देता है काव्य को। काव्य में रस का महत्व क्या है इसको समझेंगे, फिर काव्य में अलंकार का महत्व क्या है, फिर छंद का, ठीक है। इस वजह से पहले यहाँ पर रस के टॉपिक को लेते हैं, तो एक सीरियल में समझेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे इसको। रस के बारे में बात करते हैं, तो रस को सबसे पहले एक शब्द के रूप में देखते हैं। हमने बहुत सारे अनेकार्थक शब्द स्टडी किए हुए हैं। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से रस शब्द के भी एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। जो गन्ने का रस बिकता है हीरो हीरोइन के पोस्टर लगा करके, वो भी रस होता है हमारा। रस का एक अर्थ होता है निचोड़। और जब हम बात करते हैं काव्य में, तो रस का अर्थ निकल करके आता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर काव्य के संदर्भ में आनंद होता है, ठीक है। तो हमको काव्य के पढ़ने से, काव्य को सुनने से जो आनंद मिलता है, किसको मिलता है, श्रोताओं को और यहाँ पर जो पढ़ते हैं काव्य को, रीडर्स को और लिसनर्स को, यहाँ पर काव्य को पढ़ने से, हिंदी व्याकरण में हिंदी काव्य की समय बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। काव्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो रोमांच मिलता है, उसको हम लोग कुल मिलाकर के रस कहते हैं, ठीक है। रस के संदर्भ में सबसे पहले आप ये जान लें कि ये काव्य का फीचर होगा, ठीक है। गद्य में आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रस संप्रदाय के एक अन्य आचार्य जो हैं, सबसे पहले भरत मुनि ने इसका यहाँ पर बताया था, रस का सारा सिस्टम वगैरह। अभी हम ये सारे फैक्ट्स देखेंगे। फैक्ट्स मैंने बताया आपको, इस वीडियो में आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली भी मिलेंगी। तो रस संप्रदाय के आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने रस को काव्य की कसौटी माना है। इनका मानना है कि वाक्य रसात्मकम काव्यम, कि अगर कोई भी वाक्य है, अगर उसमें रस मिल रहा है पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, तो वही वाक्य काव्य बन जाता है, ठीक है। अब अलग अलग विद्वानों ने रस की अलग अलग परिभाषा, अलग अलग तरह से डिफाइन किया है कि रस आखिर में है क्या, और इसी डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि रस के अंग यानी कि पार्ट्स यानी कि अवयव कितने हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के अनुसार जो है रस के चार अंग होते हैं, ठीक है। रस के चार अंग इन्होंने बताए हैं देव ने, ठीक है। देव संस्कृत के कवि हैं, ठीक है। जब हम लोग आएंगे साहित्य पर, तो इन जैसे कवियों पर और लेखकों पर अधिक प्रकाश डालेंगे। अभी बात कर रहे हैं रस के बारे में। तो इन्होंने बताया कि स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सारे अंग हैं रस के, ठीक है। रस व्यक्त होने के लिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब सुप्रसिद्ध साहित्य दर्पण में, साहित्य दर्पण आप कह सकते हैं कि संस्कृत में लिखी गई एक साहित्य आलोचना, ऐसा आप मान सकते हैं, साहित्यिक टीका जो कि संस्कृत में लिखी गई है। साहित्य दर्पण के तीसरे यहाँ पर पार्ट में, तीसरे कह सकते हैं उसके चैप्टर में कहा गया है कि हृदय का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है, तो रस निष्पत्त हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर रस को निकलने के लिए, रस को यहाँ पर क्रिएट होने के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है। इन्होंने तीन बताए। अब नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या की है, ठीक है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक हम लोग मानते हैं भरत मुनि को। रस सबसे पहले इन्होंने ही बताए थे, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि विभाव
अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस को बनने के लिए विभाव जरूरी है, अनुभाव जरूरी है और व्यभिचारी भाव जरूरी है। ये व्यभिचारी भाव वही है जिसको साहित्य दर्पण के तीसरे परिच्छेद में संचारी भाव बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको ये डिराइव करते हैं हम लोग इससे कि रस के कितने भेद होते हैं, सॉरी रस के कितने अवयव होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, हम इन सारी यहाँ पर कह सकते हैं थ्योरी से, इन सारी फिलोसफी से डिराइव कर सकते हैं। रस के चार पार्ट होते हैं, इन सारी थ्योरीज से हमने देखा कि रस के चार पार्ट कुल मिलाकर निकलते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन सारे चीज़ों को हम समझ लेते हैं अगर, तो हम किसी भी काव्य में, किसी भी कह सकते हैं लाइन में, किसी भी वाक्य में पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा रस लग रहा है। ठीक है, उस वाक्य से कौन सा रस श्रोता को या यहाँ पर पढ़ने वाले को प्राप्त हो सकता है उस लिखे हुए काव्य से। इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम स्थायी भाव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रस के चार भेद हैं, सबसे प्रमुख बताया गया है स्थायी भाव को। ठीक है, स्थायी भाव को ऐसे आप ऐसे माने कि स्थायी भाव यहाँ पर एक किंग है। ठीक है, उसके यहाँ पर सहायक हैं, उसके असिस्टेंट हैं यहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव को आप ऐसे माने कि अगर स्थायी भाव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो रस भी नहीं बन सकता है। रस हमें काव्य से नहीं मिल सकता है अगर हमारे मन में, अगर मनुष्यों के मन में स्थायी भाव नहीं है, तो काव्य कितना भी अच्छा लिखा गया हो उससे हमें रस नहीं मिलेगा। स्थायी भाव जो है आधार है रस का। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? आधार है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से रस बनता है। तो हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव एक हमारा बीज है। ठीक है, और जब विभाव को कह सकते हैं हम लोग सनलाइट, अनुभाव को कह सकते हैं विंड वगैरह। ठीक है, और संचारी भाव कह सकते हैं खाद वगैरह जब हमको मिलती है तो हमारे मन रूपी जमीन से एक पौधा निकलता है जिसको हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको समझें, स्थायी भाव ही आगे चल करके रस बनता है अगर उसको संयोग मिल जाता है विभाव का, अनुभाव का और संचारी भाव का। ये चारों पार्ट्स हैं क्या, ये अगर आप समझ जाएंगे तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्थायी भाव के बारे में बात करते हैं। रस का मूल भाव कारण है। ठीक है, रस का आधार है स्थायी भाव, ये मैंने आपको बताया। ये क्यों बताया हमने? क्योंकि जो फीलिंग्स, भाव क्या है? भाव फीलिंग्स हैं। ठीक है, हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी तो हमने बताया था कि भावों के नाम फीलिंग्स के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो जो भाव, जो फीलिंग्स हमारे अंदर निहित होती हैं, ठीक है, हमारे अंदर इस तरह से मौजूद हैं जैसे हमारी नहों में रक्त मौजूद है। ठीक है, वो अपने आप में मौजूद हैं। ठीक है, फैक्ट्री मेड ये सेटअप है, पूरा पूरा भगवान से बना करके भेजा गया है, इसको हमने कहीं से भी ग्रहण नहीं किया है। मनुष्यों में स्थायी भाव से मौजूद होते हैं। ठीक है, और जब इनको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का यहाँ पर साथ मिल जाता है तो ये रस के रूप में निष्पत्त हो जाते हैं। यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में निष्पत्त हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं। कैसे? ये सभी मनुष्यों में उस प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध, मिट्टी कि जो हमें खुशबू मिलती है, जो सौंधी महक आती है बारिश के होने से, वो मिट्टी में ही होती है। बारिश वो महक कहीं से लेकर के नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखें। जो मिट्टी की महक हमको मिलती है, मिट्टी की जो सुगंध हमको मिलती है, सौंधी महक, वो मिट्टी की होती है। बारिश के होने पर मिट्टी से ही निकलती है, वो बारिश लेकर के नहीं आती है सुगंध। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि काव्य से जो हम लोग रस प्राप्त करते हैं उसका स्थायी भाव हमारे अंदर ही मौजूद होता है, बस वो निकल करके आने की देरी होती है। ठीक है, अविच्छिन्न रूप में हम में समाई रहती है वो गंध स्थायी भाव के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रस और स्थायी भाव की संख्या के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि जितने स्थायी भाव होंगे उतने ही रस होंगे, क्योंकि स्थायी भाव ही आगे चल करके रस के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थायी भाव जब सहारा पा लेते हैं अनुभवों का, विभावों का और संचारी भावों का, तो रस के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। किसी काव्य में आप जान लें कि एक ही प्रकार का रस होगा, ठीक है, और एक ही स्थायी भाव के कारण से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी काव्य में करुण रस भी हो, रौद्र रस भी हो, वीर रस भी हो और भयानक रस हो। एक ही रस, एक ही काव्य या तो नाटक में एग्जिस्ट करेगा, एक काव्य नाटक में एक से अधिक रस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखें, एक काव्य में एक ही रस होगा और एक ही स्थायी भाव के कारण से होगा वो। ठीक है, अब रस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। रसों की संख्या के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अभी भी बना था एलटी ग्रेड वाले में। रसों की संख्या आप जान लें कि 9 होती है। कहीं भी आपसे सिंपली पूछे कि रसों की संख्या कितनी, इतना सवाल दिया हो तो आप आंसर मार्क करेंगे 9। अगर आपसे पूछे कि नाटक में कितने रस होते हैं तो आप आंसर करेंगे वहां पर 8। ठीक है,
नाटक में कितने रस होते हैं? नाटक में केवल 8 रस होते हैं, ठीक है? सांत रस नाटक में नहीं होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखें आप। जो हमारे 8 रस हैं शुरू के, वो क्या है? श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव है रति या तो प्रेम। हास्य रस है, उसका स्थायी भाव है हास, यानी कि हंसी। करुण रस है, उसका स्थायी भाव है यहाँ पर शोक, ठीक है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। वीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या तो जुगुप्सा। अगर आपको ऑप्शन में घृणा और जुगुप्सा दोनों देता है तो आप जुगुप्सा को मार्क करेंगे, ठीक है? जुगुप्सा यहाँ पर मेन कीवर्ड है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ठीक है? इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? 9 रस मेन होते हैं, ठीक है? भरत मुनि ने 8 रस बताए थे, नवा रस कितने बताया ये पूछ सकता है आपसे। नवा रस आचार्य अभिन्न गुप्त ने बताया है, ठीक है? आचार्य अभिन्न गुप्त ने नवा रस बताया, और वो कौन सा रस बताया? वो शांत रस बताया, ठीक है? लेकिन बाद में हमारे 2 रस और आ गए थे, वत्सल रस और भक्ति रस। वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति, ठीक है? भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति या तो अनुराग। रति और अनुराग प्रेम एक ही बात है, पर रहवाची एक दूसरे के, इसको ध्यान रखें आप। और 10वां और 11वां रस आया कहाँ से, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई बात हवा में नहीं करेंगे, बिल्कुल मूल कारण के साथ सबको आप चीज आपको बताएंगे। विवेक स्वाहनी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, भक्ति रस पहला रस या 11वां रस, इसमें भक्ति रस को बताया गया है, ठीक है? तो भक्ति रस जो हमारा 11वां रस है, वो विवेक साहनी के काव्य से आया है, सॉरी ग्रंथ से आया है। भक्ति रस पहला या 11वां रस, इनके माध्यम से इन्होंने कह सकते हैं ऐड करवाया है भक्ति रस को 11वें रस के रूप में, ठीक है? और फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगार रस को रसराज या तो रसपति कहा जाता है। रसों का राजा किसको कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है? इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। पहला रस जो है श्रृंगार रस, उसको रसराज कहा जाता है, ठीक है? नाटक में 8 ही रस माने गए हैं, शांत रस को नहीं गिनते हैं, हमने बताया आपको। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने 8 रसों के बारे में बताया था, ठीक है? और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखें कि भरत मुनि को ही रस का संकलन करता कहा जाता है, रस समुदाय का प्रवर्तक कहा जाता है और जाना जाता है। अब यहाँ पर कोई भी ये कन्फ्यूजन मत रखना कि रसों की संख्या कितनी है। रसों की संख्या हमेशा आप 9 ही लिखेंगे और 9 ही अपने एग्जाम में मार्क करेंगे, ठीक है? 9 तक आप मानेंगे, बाद में जो ऐड हुए वो हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन हम उनको मानते नहीं हैं, ना हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे आज, ठीक है? हम 9 रसों के बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट हैं, और बल्कि आपका आधा काम यहीं पर ख़त्म होता है। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं बी और सी ग्रेड के एग्जाम में, डी ग्रेड के एग्जाम में, लेखपाल जैसे एग्जाम हो गए, पटवारी जैसे एग्जाम में, उससे मेन क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन रस से सही हो जाता है। कुछ लोग तो पूरा टॉपिक ही रस का स्किप कर देते हैं, खाली ये चार्ट पढ़ के चले जाते हैं और उनका सवाल सही हो जाता है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, भयानक रस का स्थायी भाव बताइए, रसों का प्रवर्तक किसको कहते हैं, ठीक है? नवा रस किसने ऐड करवाया, यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चूंकि हम चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम अलग अलग इसके भेदों के बारे में भी बात करते हैं, और सबसे पहले जो हमारे अन्य अवयव बच गए हैं स्थायी भाव के अलावा, उसके बारे में बात करते हैं। स्थायी भाव के बारे में बात हो चुकी है, अब हम आ जाते हैं विभाव पर। विभाव है क्या? विभाव के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि जो व्यक्ति पदार्थ बाहरी परिवर्तन वस्तु विशेष इत्यादि किसी व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, यानी कि भावों को जगाने का काम करता है, ऐसे कारणों को हम लोग विभाव कहते हैं। यहाँ पर रस में विभाव का क्या मतलब होता है? जो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं वे सारे कारण, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? ऐसे सारी चीज़ें आ जाती हैं विभाव में। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिख रखा है, साहित्य दर्पण के बारे में बात कर चुके हैं, उसके 3रे परिच्छेद में रस के बारे में दिया हुआ था, तो उसी में एक बात उन्होंने कह रखी है कि रति आदि भावों का उद्बोधन करने वाले विभाव कहलाते हैं, ठीक है? कहलाते हैं का क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, इनके बारे में हम डिटेल में बात करें तो विभाव के 2 हम टाइप्स बना सकते हैं, 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इनके बारे में देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे विभाव है क्या। विभाव का यहाँ पर पहला टाइप है आलंबन विभाव। विभाव का यहाँ पर पहला पार्ट कह सकते हैं आलंबन विभाव। आलंबन का मतलब होता है सहारा, ये बात हमको पता है, आलंबन यानी कि सहारा। तो यानी कि जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव जगेगा, ठीक है, स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी, ऐसे सहारे को हम लोग बोलेंगे विभाव, ठीक है, आलंबन विभाव बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है नायक और नायिका, और आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं, ठीक है? विभाव में एक टाइप आलंबन विभाव, और उस आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना आप लोग,
आश्रय आलंबन वो होता है जिसके मन में भाव जागता है, ठीक है, जिसके मन में भाव जागता है वो कहलाता है आश्रय आलंबन, ठीक है। आश्रय और आलंबन की यहाँ पर संधि करके, दीर्घ संधि बना करके इसको आश्रय आलंबन लिखा हुआ है। तो आश्रय आलंबन वो होता है जिसके मन में भाव जागृत हो, वो नायक हो सकता है, वो नायिका हो सकती है, ठीक है। हीरो हीरोइन यहाँ पर आप माने, एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। विषयालंबन क्या होता है कि जिसके प्रति या फिर जिसके कारण भाव जगता है आश्रय के मन में, उसको हम लोग कहते हैं विषयालंबन, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है राम जी और सीता जी का। यदि राम के मन में सीता जी के प्रति रति यानी प्रेम का कोई भी भाव जागृत होता है तो राम यहाँ पर क्या होंगे, आश्रय हैं, और सीता जी यहाँ पर विषय हैं, ठीक है। राम जी और सीता जी यहाँ पर नायक नायिका के रूप में आप देखें, यहाँ पर आप अपने नायक नायिका कोई भी आपके फेवरेट आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए शाहरुख और काजोल आपके हो गए नायक नायिका। अगर शाहरुख के मन में काजोल के प्रति कोई भी भाव जागता है तो शाहरुख यहाँ पर आश्रय हो जाएगा और काजोल वहाँ पर विषय हो जाएगी। बस इतना आपको समझना है यहाँ पर। अब हम लोग उद्दीपन विभाव के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर उद्दीपन विभाव ऐसी वस्तुएं या तो ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिसको देख करके स्थायी भाव जागृत होगा, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रस में अलग अलग उद्दीपन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा रस का यहाँ पर कह सकते हैं स्वभाव होगा, उसी प्रकार का उद्दीपन आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर श्रृंगार रस के बारे में अगर बात करें तो श्रृंगार रस में नायक और नायिका होंगे, ठीक है। नायक और नायिका एक दूसरे की तरफ अगर आकर्षित हो रहे हैं ऐसे समय में जो परिस्थितियाँ हो रही हैं, जो परिस्थिति एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने को प्रेरित कर रही हैं, ठीक है, स्थायी भाव जगा रही हैं या तो नायक के मन में या तो नायिका के मन में, तो ऐसे परिस्थितियों को हम लोग उद्दीपन वहाँ पर बोल सकते हैं श्रृंगार भाव में। अलग अलग भाव में अलग अलग रसों में उद्दीपन बदलेंगे, ठीक है। रौद्र रस में क्या होगा, जैसे उद्दीपन आप इमेजिन करिए कि रौद्र रस में क्या होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। योद्धा को क्रोध कब आएगा, क्रोध जब आएगा जब उसके शत्रु ने उस पर प्रहार किया हो, तो शत्रु का प्रहार किया जाना यहाँ पर उद्दीपन होगा उसके लिए, ठीक है। उसकी सेना को आघात पहुँचाया हो, ठीक है, शत्रु की सेना ने, तो वहाँ पर उद्दीपन होगा, ठीक है। उसके शत्रु ने उसको अपमानजनक बात कही हो तो उद्दीपन होगा, ठीक है। शत्रु ने अगर यहाँ पर अपमानजनक बात कही है तो उद्दीपन हो जाएगा योद्धा के लिए, ठीक है। तो उस समय रौद्र रस काम करेगा, ठीक है। रौद्र रस का यहाँ पर स्थायी भाव क्रोध उत्पन्न हो जाएगा शत्रु के अपमानजनक या अश्लील शब्द कहने पर, ठीक है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो करुण रस कब उद्दीप्त तो होगा, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक कब उद्दीप्त तो होगा किसी के मन में, किसी के आपके प्रिय के बिछड़ने के कारण, ठीक है। माता के मन में शोक कब उत्पन्न होता है, जब उसका पुत्र उससे बिछुड़ जाता है, ठीक है। अगर आपके कह सकते हैं अगर नायक के पिता की मृत्यु हो गई है, ठीक है, काव्य में दिखा रहे हैं कि नायक के पिता की मृत्यु हो गई है, वो कुछ कह रहा है काव्य के माध्यम से, तो वहाँ पर हम शोक देखेंगे, स्थायी भाव वहाँ पर शोक रहेगा, ठीक है। उद्दीपन वहाँ पर क्या होगा, नायक के पिता का मरना, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जो कि स्थायी भाव उत्पन्न कर दे काव्य में, वही उद्दीपन है। बस ये चीज़ आपको स्पॉट करनी है, इसके बारे में अगर हम आगे बात करेंगे तो आप और अच्छे समझ पाएंगे। बस आपको यहाँ पर पकड़ना आना चाहिए यहाँ पर कि उद्दीपन क्या है, उद्दीपन जिससे स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। अभी हमने तीन चीज़ों के बारे में आपको बताया, करुण रस के बारे में जिसका स्थायी भाव शोक है, तो शोक कब उत्पन्न होगा, जब किसी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, किसी की मृत्यु दिखाई दे रही हो, कि कोई यहाँ पर पात्र है उसके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई हो, तो वहाँ पर करुण रस का कह सकते हैं आविर्भाव होगा। नायक नायिका की बात हो रही है, ठीक है, अगर वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, श्रृंगार रस का माहौल बन रहा है, तो वहाँ पर एकांत स्थल होगा, रमणीक स्थान दिखाया जाएगा, अच्छा मौसम दिखाया जाएगा, ये सारे उद्दीपन विभाव होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से रौद्र रस के बारे में हमने बात की, रौद्र रस में क्या होगा, क्रोध इसका स्थायी भाव है, तो नायक के मन में क्रोध कब आएगा, जब उसका शत्रु उस पर प्रहार कर दे, ठीक है, शत्रु के द्वारा अपमानजनक बातें कहा जाना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी उद्दीपन विभाव वहाँ पर। तो ऐसे आपको समझना है यहाँ पर उद्दीपन विभाव के बारे में। अब हम अनुभवों के बारे में बात करते हैं। अनुभव के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आलंबन और उद्दीपन को पहले समझना जरूरी था, जो कि समझा जा चुका है। आलंबन और उद्दीपन यहाँ पर काम करते हैं स्थायी भाव को जगाने का, ठीक है, ये समझ चुके हैं हम लोग। अब स्थायी भाव जाग चुका है कैरेक्टर के मन में, कैरेक्टर कहाँ का है, काव्य का हो सकता है, नाटक का हो सकता है, अभी हम नाटक का मान के चल रहे हैं। नाटक का कैरेक्टर अब अपने कैरेक्टर में आ चुका है, आलंबन और उद्दीपन अपना काम कर चुके हैं, ठीक है, स्थायी भाव कैरेक्टर के मन में जागृत हो चुका है। अब नाटक का या फिर हम कह सकते हैं हमारे काव्य का जो पात्र अब जो कार्य करेगा स्थायी भाव के जागृत होने के कारण, ऐसी सारी चीज़ें आ जाएंगी अनुभव में। आई होप मैंने आपको पहुँचा दिया यहाँ तक।
ठीक है, अनुभव क्या होंगे? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य होंगे। बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव होंगे। ऐसे कार्य करेगा कौन? ये कथानक का पात्र करेगा हमारा, यानी काव्य का यहाँ पर करेक्टर करेगा, या तो नाटक का करेक्टर करेगा। ठीक है, सरल शब्दों में जो भावों का अनुगमन करे, जो भावों का अनुभव कराते हो, वो अनुभाव होते हैं। ठीक है, भावों का अनुगमन यानी कि भाव पहले आएगा, स्थायी भाव पहले जागृत होगा और अनुभाव उसके बाद में होगा, यानी कि उस भाव से जो फीलिंग आई है उसको व्यक्त कैसे करेंगे, वो यहाँ पर अनुभाव है। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, अनुभवों की संख्या यहाँ पर 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवर्णता यानी कि रंगहीनता, चेहरे का रंग उड़ जाना। ठीक है, अश्रु, आंसू आना, प्रलय यानी कि संज्ञाहीनता, निश्चेतता यानी कि पत्थर की तरह कोई करेक्टर बिहेव करने लगे, जिसको नहीं कहते हैं कि एकदम तुम पत्थर की तरह बन गए, स्तब्ध रह गए इस तरह से। तो अनुभवों के भेद हम देख लेते हैं क्या है। अनुभवों के भेद से अभी एलटी ग्रेड वाले पेपर में हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन आया था, हमने एनालिसिस डाली थी वहां पर, तो आज हम बता देते हैं आपको अनुभवों के भेद। यहाँ पर बहुत हाई लेवल की चीज तक आपको यहाँ तक पहुंचना होगा, अनुभवों के भेद आपको समझने होंगे अगर आप कोई बहुत हार्ड कोर हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, वरना आपको खाली इतना तक समझना काफी है कि अनुभव एक्चुअली में है क्या होता है और अनुभव की संख्या कितनी है। अनुभवों की संख्या कितनी आप ध्यान रख सकते हैं लेखपाल, पटवारी जैसी परीक्षा के लिए। आगे आप जाना चाहते हैं हार्ड कोर हिंदी की तरफ, तो ये आपको सारे याद भी करने होंगे। ठीक है, याद करने का काम आपका है, आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 8 कौन कौन से अनुभाव हैं। ठीक है, अब अनुभवों के भेद कायिक है, वाचिक है, मानसिक है, आहार है और सात्विक है। ठीक है, हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि कंपन जो है वो किस तरह का भाव है, तो कंपन यहाँ पर सात्विक हो जाएगा, क्योंकि शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को हम लोग सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये एलटी ग्रेड में आया था। ठीक है, इसमें ये एमसीक्यू हमसे पूछा गया था कि बताइए कंपन जो है वो किस तरह का हमारा अनुभव है। कंपन क्या है? सात्विक भाव है, क्योंकि ये शरीर का स्वाभाविक अंग परिवर्तन है, अंगों में परिवर्तन विकार है, कंपन इस वजह से सात्विक में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कायिक में क्या क्या आएगा। कटाक्ष, हस्त संचालन यानी कि हाथों का यहाँ पर हिलाना डुलाना, आंगिक चेष्टाएं यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इसमें आ जाएगी। ठीक है, वाचिक, वाचिक में आ जाएगी भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभव कहेंगे। वाचिक अनुभव का मतलब यहाँ पर हो गया आपका पात्र जो है नाटक का बहुत तेज बोलने लगे, ठीक है, उसकी आवाज़ में क्या कंपन आ जाए, ठीक है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगे, वो हकलाने लगे। अगर वहाँ पर कोई करुण दृश्य दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर करेक्टर हो सकता है उसका स्वर कांपने लगे। ठीक है, उसका स्वर बहुत कांप कांप के आए, करेक्टर हकलाने भी लग सकता है बहुत ज़्यादा शोक के कारण। मानसिक यहाँ पर क्या होगा? आंतरिक वृत्तियों से उत्पन्न प्रमोद आदि भाव को मानसिक अनुभव कहेंगे। ये अनुभव हमको देखने को मिलेगा हास्य रस में। ठीक है, मतलब आंतरिक वृत्तियों से उत्पन्न प्रमोद आदि, आमोद प्रमोद यानी कि खुशी हमको जो मिलेगी हमको श्रृंगार में देखने को मिल सकता है और हास्य रस में। ठीक है, आहार यहाँ पर बनावटी वेश रचना को आहार्य अनुभव कहते हैं। बनावटी वेश रचना हमको मुख्य रूप से हास्य रस में देखने को मिलेगी, यानी आहार अनुभव यहाँ पर केवल और केवल हास्य रस में हमको देखने को मिलेगा। सात्विक हमने आपको बताया शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरी पार्ट, यहाँ पर आखिरी अवयव यहाँ पर रस का है, व्यभिचारी या तो संचारी भाव। व्यभिचारी भाव इसको नाम दिया था भरत ने और बाद में कालांतर में इसको संचारी भाव कहा जाने लगा। बात दोनों एक ही है, ये ध्यान रखें आप। मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भावों को हम लोग संचारी या तो व्यभिचारी भाव बोलेंगे। ठीक है, ये भाव घटते बढ़ते रहेंगे अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से। अनुकूल परिस्थितियां हमको कहाँ से मिलेंगी? आलंबन और उद्दीपन से मिलेगी। आलंबन और उद्दीपन से जो भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, वो यहाँ पर स्थायी भाव तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी उसके यहाँ पर मैग्नीट्यूड के कारण यहाँ पर अन्य भाव भी आ सकते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होता है तो भाव जा भी सकते हैं। ऐसे भावों को यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बुद्धिमानों ने, अलग अलग आचार्यों ने इसको यहाँ पर जल में उठने वाले बुलबुलों की तरह बताया है। अगर जैसे छोटी छोटी झीलें होती हैं कभी कभी, उसमें स्वतः ही बुलबुले उठते हुए देखे जा सकते हैं बिना किसी बाहरी डिस्टर्बेंस के, और अपने आप ही वो कभी कभी बंद भी हो जाते हैं, तो ऐसा इनको बताया गया है। हमने देखा था स्थायी भाव में, स्थायी भाव क्या था? स्थायी भाव एक रस का एक ही होता है, एक रस में एक ही स्थायी भाव एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप व्यभिचारी भावों के बारे में जाने कि एक व्यभिचारी भाव या तो कह सकते हैं संचारी भाव अलग अलग रस का कह सकते हैं ये अवयव बन सकता है, अलग अलग रस में ये भाव आ सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि गर्व का, गर्व जो हमारा एक व्यभिचारी भाव है, ये श्रृंगार
में भी आ सकता है और वीर रस में भी आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। संचारी भावों की संख्या बताई गई है 33, आपको याद नहीं करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम को देने के लिए, आपको संख्या जरूर यहाँ पर याद रखनी पड़ सकती है 33। यहाँ पर व्यभिचारी या तो संचारी भावों की संख्या बताई गई है और यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनको एक बार नज़र डाल लेना, वैसे आपको नहीं रिकमेंडेड है कि आप इन सभी को याद करें। अब हम लोग अलग अलग रसों के अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कैसे रस में स्थायी भाव काम करता है, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब हम तो देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर श्रृंगार रस का, ठीक है, इसको रसराज हम लोग कहते हैं, इसका स्थायी भाव रति या तो प्रेम होता है, ठीक है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया हमने, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दयन कहे नटी जाए। यहाँ पर बिहारी जी की लाइन्स है, इसमें यहाँ पर रासलीला के बारे में वर्णन थोड़ा सा किया है बिहारी जी ने, यहाँ पर बताया है कि कैसे कृष्ण भगवान से बातें करने के लालच में यहाँ पर उनकी बांसुरी छुपा देती हैं गोपियाँ, ठीक है, और यहाँ पर कस्में खाती हैं कि वो उनको दे देंगी, ठीक है, भावों से हंसती हैं यानी चिढ़ाती हैं, खिजाती हैं, उनको देने को कहती हैं लेकिन बाद में नहीं देती हैं उनको बांसुरी। यहाँ पर श्रृंगार रस दिखाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर गोपियाँ हैं एक तरफ कृष्ण भगवान है, यहाँ पर प्रेम का भाव दिखाया जा रहा है गोपियों के हृदय में कृष्ण भगवान के प्रति, किशोर कृष्ण भगवान के प्रति। इतना बताने के बाद अब आपको अनुभाव और विभाव पहचानना आ जाना चाहिए, आप यहाँ पर इतने सक्षम हो चुके होंगे कि आप बता सकें कि यहाँ पर इसमें अनुभाव क्या है और विभाव क्या है। तो विभाव में आप देखें आश्रय कौन है, विषय कौन है, तो आश्रय यहाँ पर क्या है, आश्रय गोपियाँ हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनके मन में स्थायी भाव प्रेम का जागृत हुआ है किसके प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति, तो कृष्ण भगवान यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कृष्ण भगवान यहाँ पर विषय हो जाएंगे, ठीक है, विषयालंबन हो जाएंगे, ठीक है। और अब अनुभावों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेक्टर जो कि गोपियाँ हैं जिनके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ है इसको प्रकाशित करने के लिए क्या कार्य कर रही हैं, कस्में खा रही हैं, ठीक है, भावों से हंस रही हैं यानी कि उनको खिजा रही हैं, देने को कह रही हैं, वादा कर रही हैं और बाद में नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो गोपियों के द्वारा की जा रही हैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अनुभाव में, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तक हमारा है अगला, ये बाद में मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लेना। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे मौन में करत है नैनहु सी सौ बात। यहाँ पर कहने का मतलब है एक प्रेमी है, एक उसकी प्रेमिका है, ठीक है, यहाँ पर एक कपल है, ठीक है, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। अब ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए सीधे कॉन्सेप्ट पर आइए, यहाँ पर बात की जा रही है कि दोनों आपस में बात करते हैं बिना बोले, एक भरा भवन है, दोनों के बीच में दूरी है, ठीक है, और वो अदार लव जैसा आप इसको इमेजिन कर लीजिए, बस वहीं बिल्कुल वैसे ही दूरी है, ठीक है, लेकिन वो आपस में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, नैनों से बात कर रहे हैं, ठीक है, नैनों से यहाँ पर एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को खिजा रहे हैं, ठीक है, मिलने को बोल रहा है प्रेमी नैनों से ही, ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है, फिर मुस्कुरा देती है वो प्रेमिका थोड़ा सा कह सकते हैं लज्जा के कारण, ठीक है, और सब मौन ही मौन ये बात हो जाती है। और फिर बाद में जब वो लोग मिलते हैं इस पूरे प्रकरण के बाद तो दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिल जाते हैं उनके चेहरे, ये कहने का यहाँ पर मतलब दिखाया गया है। तो सेकंड एग्जाम्पल में भी हमारा श्रृंगार रस लग रहा है, इसका स्थायी भाव प्रेम, बिल्कुल हमको क्लियरली दिख रहा है प्रेम का भाव स्थायी भाव है यहाँ पर। अनुभव आपको पता लग चुका होगा, अनुभव यहाँ पर नैनों से जो बात करना वो यहाँ पर अनुभव है, खिलना मिलना और यहाँ पर खिजाना रीझना ये सारे हो जाएंगे अनुभव यहाँ पर। आपको बता दें हम कि श्रृंगार रस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने चाहिए, फैक्ट वाले सवाल के लिए आपसे पूछ सकते हैं और कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर संयोग में क्या होता है और वियोग में क्या होता है। संयोग का भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया है, ये जो एग्जाम्पल हमने स्टडी किया ये संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है, यानी कि इसमें प्रेमी और प्रेमिका साथ में है, ठीक है, इसमें वियोग नहीं है, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका साथ दिखाए जा रहे हैं, प्रेम का भाव यहाँ पर साथ साथ ही व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन वियोग रस्म क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग दिखाए जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिछड़े हुए दिखाए जाते हैं और प्रेमी या तो प्रेमिका उसके यहाँ पर कह सकते हैं वियोग में थोड़ा सा परेशान दिखाया जाता है या तो जाती है, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं वियोग श्रृंगार को। संयोग का एग्जाम्पल देख चुके हैं, अब हम लोग वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। निस्तिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। यहाँ पर हमने फिर से गोपियों और कृष्ण का एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, आश्रय और विषय के रूप में, आश्रय एक बार फिर से गोपियाँ हैं, विषय एक बार फिर से कृष्ण भगवान है। अब बात यहाँ पर हो रही है
जब कृष्ण भगवान गोकुल को छोड़ करके चले जाते हैं। गोकुल को छोड़ करके चले जाने के कारण जो गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, ठीक है, और उनके वियोग में कह सकते हैं विलाप करती हैं, रोती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बरसाई गई हैं। यहाँ पर एक गोपी जो है वो दूसरी अपनी सहेली से कहती है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है, यानी कि हमारी आँखों से यहाँ पर वर्षा होती रहती है, रोज़ लगातार हमारे नैनों से वर्षा होती रहती है, जब से श्याम चले गए हैं ऐसा लगता है हमारे नैनों में, हमारी आँखों में पावस ऋतु आ गई है, ठीक है, वर्षा ऋतु आ गई है। तो अनुभाव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनुभाव है रोना, ठीक है, रोना यहाँ पर अनुभाव है, विलाप करना यहाँ पर श्याम के लिए यानी कि कृष्ण भगवान के लिए यहाँ पर अनुभव है। तो श्रृंगार रस के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको रसराज कहते हैं, और प्रीवियस ईयर में कभी कभी रस पहचानने को आया है, अगर रेयर केसेस में तो श्रृंगार रस से ही आया है, बाद में किसी रस से नहीं आया है, एक बार शांत रस से आया था, लेकिन फिर भी हम सारे एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। हास्य रस को आप देख लीजिए, हास्य रस में क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है यानी कि हंसी, ठीक है, संचारी भाव होते हैं खुशी, उत्सुकता, प्रसन्नता, चंचलता। आलंबन क्या होता है, आलंबन यानी जिसके कारण आपका स्थायी भाव और संचारी भाव जागृत होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से स्थायी भाव जागृत होता है, तो आलंबन यहाँ पर होता है, आलंबन वो व्यक्ति होता है हंसाने वाला, ठीक है, जिसको देखकर हम हंसने लगते हैं, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसकी आकृति को देखकर, उसके बात करने वाले स्टाइल को देखकर हमें हंसी आती है। आपने स्टैंड अप कॉमेडी या तो सर्कस या तो जोकर कभी ना कभी अपने लाइफ में देखे होंगे, ठीक है, उनकी वेशभूषा में विकृति होती है, बात करने के अंदाज में थोड़ी सी कह सकते हैं विभिन्नता होती है, और इसी विचित्र चीज़ों को देखकर हमको हंसी आती है, ठीक है, तो यहाँ पर हास्य रस काम करता है। हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो काव्य का लिया है, तो काव्य में आप देख लीजिए यहाँ पर तंबूरा ले मंच पर बैठे राम प्रताप, साज मिले 15 मिनट भर घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप, राग में गोता मारा, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पर ये कहने का बता रहे हैं कि कोई ऐसा बेसुरा गायक आया होगा महफिल में, उसको देख करके सारे श्रोता धीरे धीरे खिसक लिए और वो अपना राग अलापते रह गए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है यहाँ पर हंसी की बनी है, और विकृति यहाँ पर क्या है यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर हमारा आश्रय क्या है, आश्रयालंबन, यहाँ पर सारे श्रोता हैं जो कि खिसक चुके थे उनका बेसुरा गीत सुनकर, और यहाँ पर विषयालंबन हो जाएंगे प्रेम प्रताप, या फिर पार्टिकुलरली बोलें तो उनका बेसुरा सुर, उनके गाने का जो अंदाज होगा बहुत ज़्यादा बेसुरा रहा होगा, इस वजह से सारे श्रोता वहाँ से चले गए होंगे। तो आलंबन यहाँ पर है, ये प्रेम प्रताप की आवाज़ यहाँ पर, ठीक है, तो ये हास्य रस का टाइप था, बस आपको हंसी आनी चाहिए किसी काव्य में देखकर, तो उसमें हास्य रस आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब शांत रस के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार इससे क्वेश्चन आया था, VDO ग्राम विकास अधिकारी 2016 के एग्जाम में एक एग्जाम्पल दिया रहा था और उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो एग्जाम्पल ये था, ये वाला एग्जाम्पल दे दिया था और पूछा था कि बताइए इसमें कौन सा रस लग रहा है, मतलब इसमें कौन सा रस निहित है। तो शांत रस के बारे में आप सबसे पहले तो ये जाने, शांत रस का भाव होता है निर्वेद, ठीक है, निर्वेद को ही आप जाने सबसे पहले, निर्वेद का मतलब होता है आत्मग्लानी या तो उदासीनता। आत्मग्लानी और उदासीनता तब होगी जब आपको स्वयं पर थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा गुस्सा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से की नहीं बात कर रहे हैं, नहीं तो वो रौद्र रस में चला जाएगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है, संसार से वैराग्य होने पर गुस्सा आता है, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर गुस्सा आता है, प्लस आपको शांति भी मिलती है, ठीक है, गुस्सा आने के साथ आप अपने मन को शांत करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी जो हमसे हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन अब हमें यहाँ पर परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है, परमात्मा का वास्तविक रूप हम जान चुके हैं उसके बारे में, तो अब हम यहाँ पर वैराग्य को हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर सांसारिक कार्यों से आदमी मुक्त महसूस करने लगता है, ऐसे काव्यों को पढ़कर जिसमें शांत रस लग रहा हो। अब आप पहचानेंगे कैसे किसी काव्य में कि उसमें शांत रस है, ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो वहाँ पर कि उसमें क्या होगा कि कोई ऐसी बात कही जाएगी, ठीक है, सांसारिक कार्यों से मुक्त होने की बात कही जाएगी, ठीक है, परमात्मा के वास्तविक रूप के बारे में बताया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर थोड़ी सी फिलॉसफी वाली बात कही जाएगी जिस काव्य में, उसमें शांत रस होगा, उसको पढ़ करके श्रोता को या फिर देखने वाले को शांत रस प्राप्त होगा।
तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मन रे कागद का पुतला, लागे बूंद बिना सिजाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, ये बताया गया है यहाँ पर। और इसका मतलब आप सबसे पहले जाने तो अभी आप समझ पाएंगे। मन रे कागद का पुतला यानी कि मनुष्य तो एक कागज के पुतले के समान है, एक बूंद लगने पर छिन्न भिन्न होकर के खराब हो जाएगा, इतना घमंड क्यों करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो पढ़कर ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर फिलॉसफी की बात की जा रही है, तत्व ज्ञान की बात की जा रही है, सांसारिकता से मुक्त हो जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मानव जीवन चिरंतन ना होकर कितना क्षण भंगुर है और कभी भी क्षण में भंग हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा शांत रस लग रहा होगा। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब तक मैं घमंड करता था, मैं खुद को ही सब कुछ मानता था, तब मैं भगवान को नहीं जान पाया था। अब मैं भगवान को जान गया हूँ तो खुद को भूल गया हूँ। जब से गुरु ने मुझको यहाँ पर अंधियारे से मुक्त किया है, यहाँ पर प्रकाश का दीपक जलाया है, ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलाया है, तब से मैं हूँ नहीं, यानी कि मैं हरि में, भगवान में लीन हो गया हूँ। तो इसमें हमको परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान होने का भाव मिलता है और शांति भी मिलती है इसको पढ़ करके। तो यहाँ पर शांत रस है। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हर किसी श्रोता के मन में थोड़ा सा निर्वेद का भाव आता है, जो कि स्थायी भाव है शांत रस का। ठीक है, निर्वेद यहाँ पर क्यों आता है, क्योंकि हमको इससे पता चलता है इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि मानव जीवन कितना क्षणभंगुर है। यहाँ पर मानव को एक कागज़ का पुतला, यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि एक बूंद पानी की पड़ जाने से उसका विनाश हो जाएगा, वो छिन्न भिन्न होकर के फट करके गिर जाएगा कहीं पर। तो हमें यहाँ पर गर्व नहीं करना चाहिए, यह हमको ज्ञान मिलता है, हमको तत्व ज्ञान मिलता है, हमको सांसारिक कार्यों से मुक्त होने का भाव प्राप्त होता है। दूसरे में हमको ये पता चलता है कि अगर हमको परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको सबसे पहले सांसारिक कार्यों से मुक्त होना होगा। तो इन दोनों में ही शांत रस लग रहा है। आई होप आप अगले किसी दोहे में शांत रस को आसानी से पहचान पाएंगे। हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने रौद्र रस का लिया है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। यहाँ पर काव्य में या फिर नाटक में जो करेक्टर होगा वो बहुत क्रोधित दिखलाया जाएगा आपको। ठीक है, आप इसको पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता से, आप इसको रीड करें। यहाँ पर श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, शबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु मृत रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे उठ खड़े हुए। यहाँ पर बहुत ही उत्तेजित, बहुत ही क्रोधित अर्जुन को दिखाया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आलंबन की, क्रोध का कारण यहाँ पर क्या है। आलंबन है यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु, अभिमन्यु की मृत्यु कर दी गई ऐसा बताया गया श्री कृष्ण जी के द्वारा। श्री कृष्ण के वचन सुन पहली लाइन है, यहाँ पर कृष्ण जी ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया अर्जुन को कि अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र है उसकी हत्या कर दी गई, कपट से युद्ध नीति यहाँ पर नहीं फॉलो की गई और कपट से उसकी हत्या कर दी गई, कई सारे योद्धाओं ने मिल करके उनका वध कर दिया अभिमन्यु का। ठीक है, और दुराचारी जितने भी थे जिसने वध किया बाद में उसके शव के आसपास तांडव किया। ठीक है, तो ये आलंबन थे, आलंबन ये थे। ठीक है, और उद्दीपन क्या था, उद्दीपन यहाँ पर श्री कृष्ण के वचन थे। ठीक है, अनुभव यहाँ पर क्या है, अनुभव यानी कि स्थायी भाव जब आ जाता है करेक्टर के अंदर तो वो क्या प्रतिक्रिया करता है। तो अर्जुन की प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं इन लाइनों में क्या है, अर्जुन के वाक्य क्षोभ से जलना, अर्जुन ने यहाँ पर घोषणा कर दी कि अब संसार हमारे सारे शत्रुओं को रणभूमि में मरा हुआ देखेगा। ठीक है, ये घोषणा कर दी, उनका उठ खड़ा होना, आंखें लाल होना और उत्तेजना से हाथों को मलना। ठीक है, ये सारे अनुभव हो गए यहाँ पर। संचारी भाव भी यहाँ पर दिए हुए हैं, उग्रता चपलता आवेग और उत्तेजना, लेकिन आपको कभी भी ध्यान नहीं रखने होते, हमने आपको बताया था इनकी संख्या केवल आप ध्यान रखें 33 होती है। अलग अलग स्थायी भावों में, रसों में, काव्यों में आपको अलग अलग ये देखने को मिलेगी। अब हम करुण रस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको जब विभाव में बताया था कि करुण रस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, काव्य में नाटक में करुण रस आपको तब देखने को मिलेगा जब किसी करेक्टर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या तो बिछड़ना दिखाया जाता है किसी अनन्य प्रिय का। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रिय है वो उससे बिछुड़ जाता है और वो उसके बारे में कुछ बोलता है काव्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, तो वहाँ पर करुण रस एग्जिस्ट करेगा। करुण रस का हमारा स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देखते हैं, मेरे हृदय के हर्ष आ अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रक खोल कर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहाँ मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा।
तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि करेक्टर की मृत्यु दिखाई जा रही है, यहाँ पर जो पात्र है अभिमन्यु, इसकी मृत्यु हो गई है और द्रौपदी जो कि उसकी माता यहाँ पर उसके शव पर विलाप कर रही है। वो उससे कहती है कि मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु, आंखें खोल, देख, यहाँ पर हम सब तुझे देख रहे हैं, मामा तेरे यहाँ पर खड़े हैं। मामा से तात्पर्य यहाँ पर श्री कृष्ण से है, ठीक है, उसके मामा और गुरु हैं श्री कृष्ण। अगर ये सब चीज़ें आपको पता होगी, अगर तो आपने B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, वरना मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्थाई भाव शोक है क्लियरली, ठीक है। आश्रय यहाँ पर द्रौपदी है, विषय यहाँ पर क्या है, अभिमन्यु है, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो गई है। उद्दीपन यहाँ पर क्या है, अभिमन्यु का मृत शरीर है, ठीक है। अनुभव यहाँ पर क्या है, द्रौपदी का अभिमन्यु को आंखें खोलकर देखने को कहना, गुरुजनों का मान रखना, गुरुजन कौन, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। स्मृति, आवेग और जड़ता, जड़ता का भाव क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही है द्रौपदी, एक शव को आंखें खोलने को कह रही है। तो यहाँ पर बहुत ही करुण ये दृश्य है, और अगर ये दृश्य फिल्माया जाता है या फिर कह सकते हैं अगर आप कोई नाटक देखने जाते हैं जहाँ ये दृश्य दिखाया जाता है तो आपकी आंखें नम हो सकती हैं। करुण रस का एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, तुलसीदास जी की चौपाई है यहाँ पर, शोक विकल सब रोवहीं रानी, रीप सूल बलु तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि बल बारहीं बारा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी चारों रानियाँ बहुत रोती हैं, विलाप करती हैं, ठीक है, उनके गुणों के बारे में बताती हैं, बखान करती हैं उनका, और बार बार अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ती हैं। बहुत ही करुण दृश्य यहाँ पर काव्य के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और शोक इसका स्थायी भाव है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि मृत्यु भी दिखाई जा रही है किसी कैरेक्टर की, ठीक है। तो 90% केसेस में जहाँ पर काव्य में करुण रस दिखाया जाएगा वहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई होगी, ये प्रसंग होगा, और अन्य कोई व्यक्ति उसके लिए विलाप कर रहा होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जाएगी। वीर रस के बारे में बात करें अगर हम, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है यहाँ पर, जिस काव्य को पढ़कर आपके मन में उत्साह जागृत हो जाए, ठीक है, मोटिवेशन आपको मिले, ये वर्ड मैं लूँगा मोटिवेशन, तो यहाँ पर वीर रस काम करेगा आपका। आप कोई भी हिंदी का काव्य या तो नाटक पढ़ते हैं और आपको उससे मोटिवेशन मिलता है तो वहाँ पर वीर रस लग रहा होगा, ठीक है, आपको वीर रस प्राप्त हो रहा होगा। मैं सच कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे है, और उनकी बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा और निजतात से भी समर में डरता नहीं। ये वाक्य हैं अर्जुन के, ठीक है, यहाँ पर वह अपने साथी से ये बात कहता है। भूल यहाँ पर क्षमा हुई, ये वाक्य अर्जुन के नहीं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हैं, युद्ध भूमि में उसने अपने साथी को ये बात कही। और आलंबन क्या है, आलंबन विभाव यहाँ पर यह है, द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना किया जाना, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, ठीक है, युद्ध भूमि में पांडव कौरवों में युद्ध चल रहा था। एक बार फिर से अगर आपने महाभारत देखी है, वो B.R. चोपड़ा वाली वेब सीरीज, तो आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, ठीक है। उस सीरियल में दिखाया गया था कि उस दिन अर्जुन जो था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, वैसे अर्जुन उस चक्रव्यूह को भेद सकता था लेकिन उस समय वो मौजूद नहीं था वहाँ पर, ठीक है, और कृष्ण भगवान के साथ जो कि उसके सारथी थे वो कहीं दूर था, और अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने के लिए आतुर हो रहा था। उद्दीपन विभाव क्या है, अर्जुन की अनुपस्थिति, ठीक है, ऐसी परिस्थिति बनी कि अर्जुन वहाँ नहीं है, इस वजह से इस बात को और बल मिला, ठीक है, वो और ज़्यादा प्रेरित हुआ कि वह चक्रव्यूह को भेदने के लिए जाए। अनुभव यहाँ पर क्या है, अभिमन्यु का उत्साहपूर्ण वाक्य, जो ये बातें उसने कही ये अनुभव है, ठीक है। और संचारी भाव यहाँ पर है हर्ष, गर्व और यहाँ पर उत्साह। भयानक रस की अगर हम बात करें, भयानक रस में क्या होगा, आपको पढ़ करके भय लगेगा, आपको डर लगने लगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो आपका पसीना छूटने लगे, तो यहाँ पर भयानक रस काम करेगा। उधर गरजती सिंधु लहरियों, कुटिल काल के जाल सी चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कामायनी की यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें ली गई हैं। यहाँ पर हमको भयानक रस देखने को मिलता है, यहाँ पर भय क्रिएट किया जा रहा है, थोड़ा सा कह सकते हैं फियर का एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है इन लाइनों से। गरजती सिंधु लहरियाँ, यानी लहरें जो उठ रही हैं सिंधु नदी की, वो काल के जालों के समान हैं। काल यानी कि मृत्यु, मृत्यु के जाल बिछाए जा रहे हैं उन लहरों के माध्यम से बताया जा रहा है। और फेन उगलती यानी कि झाग उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, ब्यालों का मतलब यहाँ पर सांप है, ऐसे लहरें उठ रही हैं फेन उगलती हुई, जैसे सांपों ने अपने फन फैला लिए हैं।
तो इन लाइनों को पढ़ करके आपको डर लग सकता है, अगर नहीं भी लग सकता है तो भी आप मानिए कि इसमें भयानक रस ही लग रहा है। भयानक रस क्रिएट करने के लिए वैसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं साहित्यिक सृजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ऐसे वर्ड डालने होते हैं कि आपको भय लगे, क्योंकि केवल काव्य से भय क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। आजकल मूवीज से भय क्रिएट किया जा सकता है ना साउंड इफेक्ट से, लेकिन खाली काव्य से भय क्रिएट करना उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा इसको फील करें तो भय इससे लगता है। ठीक है, भय स्थायी भाव है भयानक रस का, सिंपल सा यहाँ पर चीज़ होती है, जिस काव्य को पढ़कर आप व्याकुल हों, आपका पसीना छूटने लगे, थोड़ा सा कंपन हो, चिंता होने लगे, वहाँ पर भयानक रस लग रहा होता है। वीभत्स रस के बारे में बात करेंगे। वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है या तो घृणा है। घृणा यानी कि आपको घिन आने लगे, काव्य के माध्यम से ऐसी चीज़ बताई जाए जिसको देख करके आप बहुत असहज महसूस करने लगे, आपको घृणा होने लगे, यहाँ पर बहुत ही बिजार चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं मन को विचलित कर देने वाली चीज़ें बताई जाएंगी। सिर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत। ठीक है, भारतेंदु जी की ये लाइनें यहाँ पर मैंने ली हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादातर बुक्स में विभत्स रस का देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर पर बैठे हो काग आंख दो निकारत, खींचत जीबहि स्यार अतहि आनंद उर्धारत, गीद जांघि को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। तो इन लाइनों में बताया जा रहा है कि कैसे कई सारे जीव जंतु मिलकर एक मानव शरीर को खा रहे हैं, उसकी दुर्दशा कर रहे हैं। तो जैसे सिर पर बैठा हुआ है कौवा दोनों आंखों को निकाल रहा है और खा रहा है, और सियार आ गया है यहाँ पर और जीभ निकाल रहा है और तेजी से निकाल करके बहुत आनंद का अनुभव कर रहा है सियार। गिद्ध जो है वो जांघों के मांस को खोद खोद करके खा रहा है, और स्वान यानी कि सारस यहाँ पर जो शरीर की अंगुली है उनको काट काट करके खा रहा है। तो कुल मिलाकर मानव शरीर की दुर्दशा इन लाइनों से दिखाई जा रही है। यहाँ पर विभत्स रस लग रहा होगा। अगर हम संचारी भावों की बात करें तो संचारी भाव यहाँ पर आपके हो सकते हैं, यानी कि काव्य को पढ़ने सुनने वालों के, कि वो नाक भौं सिकोड़ेंगे, उनको थूकने का मन करेगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा घिनौना महसूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विभत्स रस है। अब हम बात कर लेते हैं अद्भुत रस के बारे में। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। कोई भी काव्य को पढ़कर आपको लगे कि यार ऐसा नहीं हो सकता, या तो ये इम्पॉसिबल है, और कुल मिलाकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो, विस्मय हो, वहाँ पर अद्भुत रस आप अनुभव करते हैं। कैसे? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने पर उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा विस्मय हो सकता है आपको। और एक बड़ी बात इसमें ये भी होती है विस्मय रस में, कि इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार भी लगता है। ठीक है, अलंकार के चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अतिशयोक्ति यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कोई बढ़ा चढ़ा करके कोई बात बताता है, इम्पॉसिबल सा आपको लगता है, तो उसमें विस्मय जरूर होता है। ठीक है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो आपको ये पढ़कर विस्मय हो सकता है कि इतनी बड़ी नदी एक घोड़ा कैसे पार कर सकता है, इतना लंबा जंप कैसे लगा सकता है। नहीं लगा सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यानी कि आपको इसमें विस्मय हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा अद्भुत रस काम करता है, इसका स्थायी भाव आप ध्यान रखें। इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें आपको कोई अद्भुत चीज़ या फिर आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल चीज़ देखने को मिले, वहाँ पर अद्भुत रस आपको मिलता है। हमारे जो 9 महत्वपूर्ण रस हैं उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी अच्छे से आई होप दे दी है। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा जरूर से ज़रूर, और कमेंट्स में लिख करके बताइएगा कि इसमें आपको समझ में आया या फिर नहीं। हिंदी व्याकरण का हर वीडियो बनाने में मैं काफ़ी एफर्ट डालता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है और इसमें बहुत जगह से मैंने चीज़ें ली हैं और बहुत खुद भी समझने का प्रयास किया है और फिर आपको समझाया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में लिखकर कि आपको समझ में आया या फिर नहीं, या फिर हमारा जो प्रयास है वो बेकार चला गया। हम लोग दोस्तों मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।